हेलो गाइस, ये जो वीडियो अपलोड हो रहा है, दिस वीडियो इज़ फॉर सीए फाइनल एएफएम स्टूडेंट्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फॉरेन एक्सचेंज एंड द कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज़ एक्सपोर्ट बिल। आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, जनवरी 21 के सीए फाइनल के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया था फॉरेन एक्सचेंज से और उसका टॉपिक था एक्सपोर्ट बिल। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन नज़र आएगा, बट एक्चुअली वो नॉर्मल नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आपको अगर आप ढूंढने को जाओगे ना तो किसी बुक में एज सच लिखा हुआ आईसीआई मॉड्यूल में या यूट्यूब पे किसी वीडियो में आपको जल्दी नज़र नहीं आएगा। ओके, एंड ये जो क्वेश्चन उन्होंने जनवरी 21 में पूछा था, इसके कभी पहले भी नहीं पूछा और उसके बाद भी कभी नहीं पूछा। सो ऑन दैट बेसिस आई कैन से दैट दिस इज़ वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ड इन द पेपर इन द अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, तो मैंने ये जो वीडियो आपको अपलोड करा रही हूँ मैं, इसके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी और एक सम मैंने कराया है विच इज़ नेसेसरिली नॉट द सेम क्वेश्चन बट 99% सेम है। तो एक बार अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे और आप ये क्वेश्चन अगर समझ जाओगे इन टर्म्स ऑफ द एडजस्टमेंट्स, आप जनवरी 21 का वो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। आई एम श्योर आपसे वो सम हो जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ एन्जॉय द वीडियो। तो आज जो टॉपिक मैं डील कर रही हूँ तुम्हारे साथ में, उसका नाम है एक्सपोर्ट बिल्स। मैं तुमको नोट्स भी लिखाऊंगी थोड़े, बट पहले तुम स्टोरी सुनो, एंजॉय करो साथ में। ओके, एक एक्सपोर्टर है, सपोज करो कि हम एक्सपोर्टर हैं, उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। मैं एक्सपोर्टर हूँ, ओके, और एक्सपोर्टर कौन होता है? जो माल दूसरे देश में एक्सपोर्ट करेगा माल बना करके। तो सुनने में कितना ज़्यादा सिंपल लगता है ना कि एक्सपोर्टर है, माल बेचा होगा और इनवॉइस बनाएगा, इंपोर्टर आएगा, पेमेंट करेगा, बात खत्म हो गई। तुम इतना ही सोच पाते हो या मैं भी उतना ही सोच पाती हूँ ऑन द फेस वैल्यू बेसिस। ओके, बट इतना सिंपल नहीं है ये, एक्चुअली काफ़ी कुछ है इसके अंदर में। ओके, तो क्या क्या है वो सुनो, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, सामने एग्जाम है तुम्हारा, बट जो जरूरी जरूरी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं तुमको जरूर बताऊंगी, ठीक है? देखो, एक सिचुएशन तो क्या है, और रिलैक्स होके सुनना, स्टोरी के जैसे मैं सुना रही हूँ वैसे तुम एंजॉय करके सुनना। ओके, एक सिचुएशन क्या है, एक्सपोर्टर के पास में माल है, अब बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ ये इन्फॉर्मेशन सब में तो नहीं रहता है। एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर ने माल भेजा, ओके, और शिपिंग कर दी, और इम्पोर्टर जो मान लो यूएस तुमने भेजा है, $1,00,000 का माल तुमने भेजा है, ओके, और इम्पोर्टर ने तुमको इंस्टेंट तुमको पैसे दे दिए और स्टोरी खत्म हो गई। तो स्पॉट पे काम होएगा सारा, करेक्ट है? उसने माल उठाया और शिपिंग के लिए तुमने लगा दिया, और ये तो ये हो सकता है कि तुम्हारी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है कि उसको चेक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जैसे तुमने शिपिंग करी माल की, और या फिर वो खुद शिप करके ले गया, हु नोस। वही मैं बोल रही थी, चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती है, इसमें बहुत सारी सिचुएशंस रियल लाइफ के बनते हैं, तो भी ब्रॉड ब्रॉड मैं आपको बताऊंगी। ओके, या हो सकता है वो खुद ही शिपिंग करे, पैसा दे दिया, माल ले गया, स्टोरी खत्म, कोई टेंशन नहीं है पैसों का, या कोई भी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि इम्पोर्टर यूएस में रहता है, इम्पोर्टर का कोई एजेंट इंडिया में रहता है, और एजेंट को बोला कि भाई माल आप देख लेना, और क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा ना क्वालिटी कैसी है, आप माल देख लेना, और माल देख करके अगर माल अच्छा होगा तो शिपिंग करा देना और पैसे दे देना सामने वाले को, तो भी स्टोरी खत्म हो गई। एक और सिचुएशन बोलती हूँ, वो सिचुएशन ये है कि तुमने माल बनाया, ओके, माल कब बनाया, नहीं बनाया, इस बातों पे डिस्कशन अभी नहीं हो रही है। और अगर ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, माल बनाया नहीं बनाया, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कुछ ग्रे एरिया है जो मैं शायद तुमको आगे जाके बोलूंगी। ओके, तो फिलहाल उसको साइड में रखो। अब माल बनाया हुआ है पूरा, तुमने शिपिंग करी, मतलब हमको हमको कब पता चला, सम में हमको कब पता चला कि शिप हो गया माल। ओके, माल शिप हो गया, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह होता है ना, मतलब तुम शिप करोगे तो तुमको बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा, या डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, चेकलिस्ट होगी, कई तरह के तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। ओके, वो डॉक्यूमेंट्स लेके तुम बैंक के पास जाओगे। तुम्हारा इंडिया में सपोज करो कि एचडीएफसी बैंक तुम्हारा बैंक है, ठीक है? तुम एचडीएफसी बैंक के पास में गए। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं बैंक के पास क्यों गया, अच्छा सवाल है, बैंक के पास क्यों गया? तो तुमको मैं बता दूं कि बैंक जो है, सारे बैंक्स, जितने मेजर बैंक्स हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके बिजनेस का ये एक पार्ट है, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स तुम अपने बैंक को दोगे, बैंक अपनी कोई ब्रांच यूएस में जो होगी ये डॉक्यूमेंट्स उसको भेजेगी, ओके, और
मान लो एचडीएफसी का कोई ब्रांच है यूएस के अंदर में, तो वो जो बैंक है ना तुम्हारा यूएस में, सपोज न्यूयॉर्क में, तो वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे इम्पोर्टर को दिखाया जाएगा और पैसा मांगा जाएगा. ओके, तो जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको दिया जाएगा, बिल ऑफ लेडिंग है, यानी कि अगर जब तक इम्पोर्टर के पास में बिल ऑफ लेडिंग या बाकी जो इन्वॉइसेस या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब तक वो जो शिप्ड है उसका माल वो क्लेम नहीं कर सकता, उसको माल मिलेगा नहीं. ओके, तो दो तरह के इसमें सिचुएशन हो सकती है, वो आगे जाके बताऊंगी. फिलहाल ये सिंपल वाला सुनो. बैंक, एचडीएफसी बैंक ने हमसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया यहां से और ले जा करके उसको भेजा डॉक्यूमेंट्स को, कहां पे? यूएस गए डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे. और वहां पे जो या तो इंपोर्टर का बैंक होगा या फिर तुम्हारा कोई ब्रांच होगा, जो भी होगा, उतना कॉम्प्लिकेशन अपन डिस्कस नहीं कर रहे. वो डॉक्यूमेंट्स उसको दिया जाएगा. किसको? उसको दिया जाएगा इंपोर्टर को, कि भाई ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हो, पेमेंट करो और डॉक्यूमेंट्स ले लो. तो वो क्या करेगा, पैसा दे देगा वहां पे एचडीएफसी बैंक की ब्रांच को दे देगा, या अपने बैंक को दे देगा, उसका बैंक एचडीएफसी बैंक के ब्रांच को दे देगा, ये भी पॉसिबल है. एचडीएफसी बैंक के ब्रांच का जो पैसा है वो एचडीएफसी बैंक इंडिया में आ जाएगा और वो पैसा हमें मिल जाएगा. ये भी सिंपल गई स्टोरी. तुमने एक चीज नोटिस करी, एचडीएफसी बैंक यहां पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की लाइजनिंग कर रहा है, बीच में उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर में नहीं है. अब मैं जब अगली बात बोलूंगी ना, तब तुमको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रही हूं. मतलब बेसिकली क्या हो गया, एचडीएफसी बैंक तुमसे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां तक पहुंचा दिया, मतलब कुरियर का काम कर रहा है वो. डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दिया, डॉक्यूमेंट्स वहां पे, ये सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ये इनके धंधे का एक पार्ट है एंड इट इज अ बिजनेस मॉडल फॉर देम. ओके, और वहां से पैसा कलेक्ट करके और ला करके मुझे दे दिया कि चलो भाई आपका पैसा, कुछ सर्विस चार्जेस कुछ चार्ज करते होंगे, वो पेमेंट हो जाएगी, बात खत्म. यहां तक जो मैंने तुमसे बात करी ना, तब तक कोई भी सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशन नहीं था. कॉम्प्लिकेशन अब चालू होगी. तुम बोलोगे मैम क्या कॉम्प्लिकेशन, अब मैं बताती हूं कि शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे बिल ऑफ लेडिंग वगैरह जो मैंने बोला, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, माल शिप हो चुका है. ओके, हमने या मैंने माल शिप हमने इंडिया से कर दिया है. ओके, माल शिप करने के बाद मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी जो जिम्मेदारी थी, वो मैंने फुलफिल कर दी. ओके, वो डॉक्यूमेंट्स लेके मैं एचडीएफसी बैंक के पास में जाऊंगी. पहले भी जा रही थी लेकिन इस बार बात अलग होगी. क्या होगी वो सुनो. गाइस, तुमको नहीं लगता कि माल वहां पहुंचेगा, डॉक्यूमेंट्स वहां जाएंगे और उसके बाद वो पैसा देगा, फिर पैसा आएगा? कुछ टाइम तो जाता होगा ना इस पूरे प्रोसेस के अंदर में, कि इंस्टेंट थोड़ी चलता होगा. तो क्या हो रहा है कि मेरे को दिक्कत आ गई. किस बात की? अगर इसी तरह से अगर मैंने चार लोगों को माल भेजा तो मेरा तो पैसा फंस गया. ओके, अब मैं बिजनेस कैसे कंटिन्यू करूं? मेरे को पैसे चाहिए ना, मेरी लिक्विडिटी चली गई. तो मैं बैंक को क्या बोलूंगी कि एक काम करो, मैं एक बिल ड्रॉ करती हूं. मैं बोलूंगी, मैं एचडीएफसी बैंक को इंडिया में, मैं एक बिल ड्रॉ करती हूं. मैं कौन हुई? ड्रॉवर. ओके, मैं एक बिल ड्रॉ करती हूं और ये बिल आप डिस्काउंट कर दो. डिस्काउंट करने का मतलब क्या हुआ? आप इन डॉक्यूमेंट्स के, मतलब एक्सपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर के पास पैसा आने वाला है, यानी एक्सपोर्टर के ओज मनी फ्रॉम द इम्पोर्टर. आई होप यू गॉट इट. मतलब एक्सपोर्टर के पास क्या है, एक्सपोर्टर विल ओ मनी फ्रॉम द इम्पोर्टर. तो मैं क्या बोल रही हूं एचडीएफसी बैंक को कि एक काम करो, आप मेरी जगह पे आप ओ करो पैसा. मतलब ये डॉक्यूमेंट्स आप सारे ले लो और ये जो पोजीशन है मेरी ये आप ले लो. ओके, आप मुझे पैसे दे दो आज की तारीख में, और जो इम्पोर्टर पैसा देने वाला है ना वो आप कलेक्ट कर लेना. समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है? आपको अगर नॉर्मल बिल डिस्काउंटिंग समझता है तो ये भी तुमको समझ जाएगा बेसिकली. क्योंकि मैं इतने दिन अगर वेट करूंगी मेरा बिजनेस ठप बैठा रहेगा, तो मुझे थोड़े पैसे अगर मिल जाएंगे तो मैं आगे और माल तैयार करती चली जाऊंगी. अपन बिजनेस में है ना, अपन बैठ नहीं सकते कि सामने वाला कब पैसा देगा तो माल मैं दोबारा प्रोड्यूस करूं. तो बैंक बोलेगा ठीक है, ये बैंक का ये भी बिजनेस है. ओके, तो तुम बन गए ड्रॉवर, मतलब मैं ड्रॉवर बन गई और वो बिल हमने दे दिया एचडीएफसी बैंक को, और इम्पोर्टर बन गया ड्रॉई. तो मन में कई बच्चे ना बहुत दे हैव वेरी इनोसेंट क्वेश्चंस इन देयर माइंड, मैम बिल क्या होता है, क्या चीज ड्रॉ किया एंड ऑल दैट. तो बेसिकली ये एक तरह का पेपर है जिसके अंदर में ये लिखा हुआ है, सारी सिचुएशंस लिखी हुई है कि इम्पोर्टर इतना इतना पैसा उसको देना है इस डेट को या ऐसे ऐसे सिचुएशन में, ऐसा लिखा हुआ है. ओके, और वो बिल एचडीएफसी बैंक जो ड्रॉवर से ले लेगा, और वो जो बिल है वो जाएगा यूएस.
या तो इम्पोर्टर के बैंक के पास जाएगा, ओके, और वो जा करके बिल प्रेजेंट होगा इम्पोर्टर के पास में, ओके। तो इसमें दो तरह के बिल होंगे, दो तरह के। पैसा मुझे मिल गया, मुझे मेरा पैसा मिल गया है, लेकिन सवाल यहाँ पे काफी कुछ है। पैसा जो था वो $1,00,000 का इनवॉइस था, ध्यान देना, $1,00,000 का इनवॉइस था। मेरा तुमसे सवाल ये है कि HDFC बैंक ने $1,00,000 के बदले मुझे क्या दिया, रुपया दिया। तो कन्वर्जन के लिए रेट कौन सी यूज करी, ये सवाल है सबसे बड़ा। तो जो रेट यूज होगी ना, ये पूरा का पूरा आज का लेक्चर उसके ऊपर फोकस्ड है कि आखिर वो $1,00,000 किस रेट पे कन्वर्ट हो करके एक्सपोर्टर को मिला, HDFC बैंक ने कौन सी रेट यूज करी कन्वर्जन के लिए। स्पॉट रेट यूज नहीं होगा उसमें, स्पॉट रेट यूज नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि वो जो बिल ड्रॉ किया है मैंने उससे पैसा लेने के लिए, इट इज अ डिमांड बिल और इट इज अ सेंस बिल। अगर वो डिमांड बिल है, ओके, तो क्या होगा, जैसे यहां से बिल जाएगा US, ओके, और US में जो इम्पोर्टर का बैंक होगा वो ले जा करके इम्पोर्टर को प्रेजेंट करेगा, मतलब बिल को देखते ही आप पेमेंट करो दो दिन के अंदर, दैट इज कॉल्ड साइट बिल और डिमांड बिल, ओके। अब इसके लिए फेडाई, व्हाट इज फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेडाई ने बोला है ये जो पीरियड है ना तुमसे बिल लेकर के, मतलब तुमने जो बिल ड्रॉ किया HDFC बैंक को दिया, HDFC बैंक ने भेजा, ये सारे बिल के साथ में क्या क्या होगा पता है, बिल ऑफ लेडिंग होगा, सारे मतलब ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे, इनवॉइस होगा, चेकलिस्ट होगी, सब कुछ होगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स US तक कितने दिन में पहुंच जाने चाहिए, 25 days, उसको बोला जाता है ट्रांजिट पीरियड। ट्रांजिट पीरियड बेसिकली, अगर तुम उसे पूछोगे कि ट्रांजिट पीरियड मैम क्या होता है, तो गाइस ट्रांजिट पीरियड वो वाले पीरियड को बोलते हैं जहां पे डॉक्यूमेंट्स वहां जाने से लेकर के जब इम्पोर्टर, जब इम्पोर्टर वहां पैसा दे देता है, तो मैक्सिमम 25 days का पीरियड दिया गया डिमांड बिल के मतलब। तो अब क्या प्रॉब्लम हो रही है कि सम करूंगी तब और क्लैरिटी आएगी, थोड़ा सा होल्ड करना। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैं तो HDFC बैंक के पास में अभी चली गई कि भाई पैसा दे दो प्लीज, मेरे को $1,00,000 का तुम कन्वर्ट करके पैसा दे दो। HDFC बैंक के अकाउंट में 25 दिन के पहले पैसा नहीं आने वाला है। HDFC बैंक के अकाउंट में 25 दिन का ट्रांजिट पीरियड अलाउड है, तो 25 दिन के बाद HDFC बैंक ने हमें अभी पैसा दे दिया, लेकिन HDFC बैंक के पास में इम्पोर्टर के पास से 25 दिन के बाद पैसा आएगा, ट्रांजिट पीरियड खत्म होने के बाद। सब में बोला या नहीं बोला, ट्रांजिट पीरियड तुमको 25 दिन का कंसिडर करना ही पड़ेगा, ओके। तो 25 दिन के बाद पैसा आएगा, तो बैंक तुमको आज के रेट पे कैसे पैसा दे सकती है, बैंक के पास जब आज पैसा नहीं आ रहा है तो बैंक तुमको आज के रेट पे पैसा कैसे देगी। बैंक तुमको देगी 25 days का फॉरवर्ड रेट पे कन्वर्ट करके तुमको पैसा देगी। इस पे भी एक स्टोरी और है, अभी बात नहीं कर रही वरना कंफ्यूज कर जाओगे तुम। तो ये डिमांड बिल के केस में 25 दिन का एंड का मतलब जब वो पैसा डालेगा, तो 25 दिन पीरियड हुआ तो मतलब समझ लो कि एक महीने का रेट समझ लो, उस दिन का जो फॉरवर्ड रेट होगा, यानी अगर अपन जीरो में खड़े हैं तो 25वें दिन की जो रुपी पर डॉलर की रेट होगी, उस रेट के हिसाब से HDFC बैंक इंडिया में तुमको $1,00,000 कन्वर्ट करके पैसा दे देगा, ओके, क्योंकि उसको 25 दिन के बाद पैसे मिल रहे हैं। आई एम श्योर समझ में आया तुमको, ओके। तो ये हुआ साइट बिल, मतलब बिल को देखते ही इम्पोर्टर को पेमेंट करनी है। एक बात ध्यान रखना, ट्रांजिट पीरियड को इस बात से तुम कंफ्यूज मत करना कि माल को शिप से पहुंचने में जो टाइम लगा उसको ट्रांजिट पीरियड बोलते हैं, नहीं, डॉक्यूमेंट्स जाने से लेके वहां पैसा देने तक का जो पीरियड है उसको ट्रांजिट पीरियड बोलते हैं। तो ये हो गया डिमांड बिल या साइट बिल बोलते हैं, ओके। नंबर टू, असेंस बिल। असेंस बिल क्या होता है, असेंस बिल ये होता है कि मैं एक्सपोर्टर हूं, ध्यान रखना मैं एक्सपोर्टर हूं, मैंने इम्पोर्टर को 30 days का क्रेडिट दे रखा है कि ठीक है डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे तक पहुंचने के बाद तुम 30 दिन का और टाइम ले लो पेमेंट करने के लिए। इस तरह के बिल्स को असेंस पीरियड बोला जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि 25 दिन का टाइम तो ट्रांजिट पीरियड, जो डॉक्यूमेंट्स जाने में वहां तक टाइम लिया,
और दूसरा वहां से 30 डेज और, यानी 55 दिन के बाद यहां पे एचडीएफसी बैंक को अपना पैसा मिलेगा। ओके, तो बैंक तुमको कौन सा रेट देगा? स्पॉट रेट कैसे देगा? स्पॉट रेट तुमको नहीं देगा बैंक, बैंक तुमको फॉरवर्ड रेट देगा। अब मैं, तुमने नोटिस नहीं किया, मैंने 1 मंथ फॉरवर्ड या 2 मंथ फॉरवर्ड मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि यहां पे भी लूप है कि बैंक तुमको कौन सी रेट पे पैसा देगा। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है ना कि 55 दिन का मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट 2 मंथ फॉरवर्ड के हिसाब से मुझे यहां पैसा मिल जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। तो ये हुआ डिमांड बिल और असेंस बिल, ये बिल डिस्काउंटिंग की बात चल रही है राइट। तो यहां पे आप पैसा लेके आप अपना काम करोगे, और बैंक, जब तक बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो तुमको जो पैसा रुपया में दिया है, अगर वो साइट बिल है तो 25 दिन के फॉरवर्ड रेट के हिसाब से कन्वर्ट होकर के तुमको जो पैसा मिला है, ओके, उतने दिन का बैंक तुमको ब्याज चार्ज करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो पैसा तुमको 25 दिन के बाद मिलना था तुमको अभी मिल गया, तो बैंक ब्याज चार्ज करेगा ना तुमको। दूसरा, अगर असेंस बिल है तो 25 दिन का ट्रांजिट पीरियड प्लस 30 डेज का क्रेडिट पीरियड, 55 दिन, तो तुमको बैंक 55 डेज का फॉरवर्ड रेट लगाएगा, और जब तक उसके पास पैसे नहीं आएंगे तब तक वो तुमको ब्याज भी चार्ज करेगा। तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि उतना ब्याज काट के तुमको पैसा देगा। ओके, सो दीज आर द ऑल कैलकुलेशंस एंड आई होप यू हैव गॉटन इट। इट वॉज अ बिग टॉपिक टू बी डिस्कस्ड एक्चुअली। आई थिंक द फ्लो वॉज कम्प्लीटली कम्फर्टेबल एंड यू हैव गॉटन इट। लेकिन इसमें एक बात सिर्फ जो मैं बोलना रह गया है मेरा, जो तुमको बताना चाहती हूँ, कि वो ये है कि अभी भी साइट बिल या डिमांड बिल, असेंस बिल, इन दोनों सिचुएशन में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि माल को शिप करने के बाद मैं बैंक गई इमिडिएटली, मतलब सम चालू कहां से हुआ कि माल शिप हो चुका है। ओके, अब उसमें या तो साइट बिल या तो असेंस बिल, तुम्हारा दिमाग इतना ही बोल रहा है। दो पॉइंट मुझे और डिस्कस करना है तुम्हारे साथ में, और वो क्या होगा वो सुनो। एक और सिचुएशन है इसके अंदर में, सिचुएशन क्या है वो देखो। जनवरी 1 को मेरे को इंपोर्टर से ऑर्डर मिला, ठीक है ना, जनवरी 1 को मेरे को बैंक से, सॉरी इंपोर्टर से ऑर्डर मिला, ठीक है। मेरे पास माल बनाने का भी पैसा नहीं है एक्चुअली, ये एक तीसरी सिचुएशन खड़ी हो गई, माल बनाने का भी पैसा नहीं है, और हमारा जो इंपोर्टर है वो क्या बोल रहा है पता है क्या, वो बोल रहा है कि ठीक है तुम 2 महीने के बाद मेरे को शिप कर देना, मतलब 2 महीना माल बनाने का टाइम दिया है। सुनना तुम स्टोरी पूरी। तो इसमें क्या होगा कि माल जनवरी तक जनवरी और फरवरी में माल बना, ओके, और शिप किया, ओके, और शिप करने के बाद फिर सारा काम हो रहा है। इसमें जो एक्सपोर्टर है यानी कि मैं बैंक से माल बनाने के लिए भी पैसा ले रही हूं, यानी 1 जनवरी को ही मैंने पैसा बैंक से ऑर्डर दिखा करके मैंने बैंक से पैसा ले लिया, और बैंक पैसा देगा तुमको। ओके, तुम बोलोगे मैम आप कौन सी रेट लगेगी, तो ध्यान दो, जनवरी और फरवरी 2 महीना, ओके, उसके बाद अगर साइट बिल होगा तो 2 महीना 25 दिन, समझ में आ रहा है क्या, 2 महीना 25 दिन। 2 महीना तो कहां से, 2 महीना वहां से जहां से बेसिकली माल बनाया और फिर माल भेजा, तो 25 दिन का ट्रांजिट पीरियड, और साइट बिल है तो 2 महीना तुम्हारा माल शिप करने का, मतलब बना के शिप करने का, और 25 दिन तुम्हारा ट्रांजिट पीरियड। ये एक सिचुएशन हो गई। अगर उसके बाद भी अगर मैंने सामने वाले को क्रेडिट दिया है 30 डेज का, तो अब तुम सोचो कितना सारा कॉम्प्लिकेशन चला गया। जनवरी फरवरी में तुमने माल बनाया, उसके बाद 25 दिन का ट्रांजिट पीरियड, उसके बाद 30 दिन का क्रेडिट, सब जोड़ो और वो जो फॉरवर्ड रेट होगी उस फॉरवर्ड रेट के हिसाब से कन्वर्ट होकर के मुझे पैसा मिलेगा, और ये पूरा पूरा जनवरी का ब्याज, फरवरी का ब्याज, 25 दिन का ट्रांजिट का ब्याज और 30 डेज का असेंस पीरियड का ब्याज, वो सारा ब्याज मुझसे बैंक चार्ज करेगी। तो ऐसे समसो नहीं है हमारे पास में, लेकिन मैं तुमको सारी वैरायटी कराने वाली हूँ अभी, सारी की सारी वैरायटी, और जो मैं बोल रही हूँ अगर कंफ्यूज भी हो रहा है ना तुमको तो पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन तुमको सम्स देखना पड़ेगा। अब मैं सोच रही हूँ कि ज्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट सम्स करते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हारे पास में शीट है, तुम उसको फॉलो करोगे, मेरे पास में शीट है वो मैं फॉलो करूंगी, ठीक है, स्टार्ट कर रही हूँ। 2-4 बातें जो मैंने नहीं बोली है अभी डिस्कस करते समय, क्योंकि तुम इतना रिटेन नहीं कर पाते, एंड दैट इज वाई वो सम जब सामने आएगा, सिचुएशन आएगी, तो मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, ऑन 26th ऑफ अगस्त, फर्स्ट क्वेश्चन, MS ABC एक्सपोर्टर
tenders for purchase of a bill payable 60 days from site and drawn on New York for $25,650. The dollar rupee rates in the interbank exchange market were as under. पहले अपने को ये दो लाइन जो लिखी हुई है ये समझ में आनी चाहिए. On 26th of August, ABC exporters, मतलब तुम ये समझ लो कि ये जितने भी सम्स हो रहे हैं ना, मैं इसमें एक्सपोर्टर बन जाती हूँ या तुम खुद एक्सपोर्टर बन जाओ, ओके okay? उस हिसाब से सोचना. MS ABC exporter tenders for a purchase of a bill payable 60 days from site and drawn on New York for $25,650. ये क्या बोल रहा है कि एक्सपोर्टर 25,650 का एक बिल जो कि उसने ड्रॉ किया है, हमने दो मिनट पहले बात किया ना कि ड्रॉअर है वो, ड्रॉ किया है वो, बैंक को बोल रहा है कि तुम इसको बाय कर लो, ओके तुम इसको बाय कर लो और मुझे रुपीज इक्विवेलेंट आज दे दो, ओके लेकिन ये पैसा ड्यू कब हो रहा है पता है तुमको? क्या लिखा है? पेबल 60 डेज फ्रॉम साइट, मतलब इंपोर्टर को जब बिल मिलेगा कितने दिन के बाद मिलेगा? 25 डेज के ट्रांजिट पीरियड के बाद जब इंपोर्टर के सामने बिल आएगा उसके 60 डेज के बाद उसको पे करना है, ऐसा उस डॉक्यूमेंट में, ऐसा उस बिल में लिखा हुआ है. यानी कि अगर जिस बैंक के पास एक्सपोर्टर, जिस बैंक के पास सपोज HDFC बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसके हिसाब से पूरा सम चल रहे हैं, बिकॉज एग्जाम्पल चेंज नहीं करेंगे, कंफर्टेबल रहेगा उससे तुम्हें, तो मैं HDFC बैंक के पास में गई और बैंक को बोला कि ये तुम सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने तुम ले लो जो कि मैंने माल शिप कर दिया है और तुम मुझे पैसा दे दो ताकि मेरा बिजनेस रनिंग पोजिशन में वापस से आ जाए, मतलब है, मतलब ताकि मैं अपना काम आगे बढ़ाऊं, ओके तो बैंक उसको किस रेट पे 25,650 डॉलर वैल्यू है इनवॉइस का, तो डॉलर थोड़ी ना लूंगी मैं इंडिया में डॉलर का क्या करूंगी, मुझे रुपीज चाहिए, तो रुपीज में इस अमाउंट को कन्वर्ट करने के लिए एक रेट लगेगी. तो इस क्वेश्चन में अगर तुम आगे जाके देखोगे तुमसे यही पूछेगा या तुम्हारा डाउट यहां पे ये होगा कि रेट कौन सी बैंक यूज करेगा इस अमाउंट को कन्वर्ट करके मुझे रुपया देने में, ये सवाल है पूरा. तो बैंक को कब पैसा मिल रहा है पूरा का पूरा फोकल पॉइंट वो हो जाएगा. तो गाइस बैंक को पैसा मिलेगा अभी से लेके 25 दिन, कौन सी डेट? 26th August. तो 26th August से लेकर के 25 डेज तक तो हो गया ट्रांजिट पीरियड, करेक्ट है 25 दिन, उसके बाद 60 डेज के बाद पैसा ड्यू होता है, यानी टोटल मिला के कितना हो गया 85 डेज का हिसाब है ये पूरा. यानी कि बैंक को, HDFC बैंक को अपना पैसा 85 डेज के बाद मिलेगा. तो बैंक मुझे 85 डेज के हिसाब से जो फॉरवर्ड रेट होगी उस रेट पे मुझे आज कन्वर्ट करके, मैं कौन सी डेट को खड़ी हूं, 26th August को, 26th August को 85 डेज के आगे का रेट यूज करके ये अमाउंट मुझे दे देगा, लेकिन साथ में काटेगा 85 डेज का ब्याज. ये बात अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं आना चाहिए. जो बात मैंने अब तक तुमको नहीं बताई है वो ये है कि बैंक की जो रेट की कैलकुलेशन है ना वो बहुत कन्वीनियंट है. एक्चुअली सम को अगर तुम देखो, आगे आ जाओ सम में देखो, सम में 26th August है तो 85 डेज जोड़ो वहां से कितना होता है, तो मतलब 85 डेज के आगे तक पहुंचो और देखो कौन सा डेट आता है, मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ. तो 5 दिन हो गए अगस्त के, 85 डेज आगे जाना है, 5 दिन हो गए तुम्हारे अगस्त के, 30 डेज हो गए सितंबर के और 31 डेज हो गए तुम्हारे अक्टूबर के, ओके कितना आ रहा है कैलसी पे देखो, 66 डेज दिखा रहा है अक्टूबर एंड तक में ना, 66 डेज दिखा रहा है, मतलब 31st October को 66 डेज हो जाएंगे. तुमको कहां तक जाना है? 85 डेज, ओके तो एक काम कर सकते हैं अपन ऑलरेडी 31st October को खड़े हैं, ओके और हमको जाना है 85 दिन आगे, 85 डेज आगे फ्रॉम 26th August. तो इसमें अगर मैं माइनस 85 करती हूं ना तो 19 आता है, मतलब 19th November को HDFC बैंक को इंपोर्टर से पैसा मिलेगा. यानी कि 19th November का जो ड्यू डेट है
उस रेट के हिसाब से रुपी पर डॉलर की जो रेट प्रिवेल करेगी 19 नवंबर को, उस रेट के हिसाब से आज 26 अगस्त को एचडीएफसी बैंक मुझे 25,650 डॉलर कन्वर्ट करके देगा, ग्रॉस अमाउंट बोल रही हूँ। ओके, अब तुमको ये बात इस लेवल पे पता होनी चाहिए कि जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पॉट सितंबर, तो स्पॉट सितंबर का मतलब होता है एंड ऑफ सितंबर, स्पॉट अक्टूबर मतलब एंड ऑफ अक्टूबर, स्पॉट नवंबर मतलब एंड ऑफ नवंबर। आई होप यू आर कंफर्टेबल। ओके, 19 नवंबर बीच में आ गया, ओके ना? तो तुम बोलोगे मैम बैंक क्या कन्वीनियंस यूज करेगा। देखो, एक तरीका तो क्या है कि 19 नवंबर का हम एक रेट निकाल लें। ओके, प्रो रेटा करके तुम निकाल सकते हो ना। मतलब तुम क्या करो कि तुम नवंबर एंड का, ओके, नवंबर एंड का और अक्टूबर एंड के बीच में पड़ रहा है ना, ये 31 अक्टूबर और 30 नवंबर के बीच में आ रहा है 19 नवंबर, 19 नवंबर। तो अपन प्रोरेटा करके निकाल सकते हैं रेट, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर में। लेकिन ऐसा कहीं भी किसी समय मैंने नहीं देखा और ना ऐसा करना है। तो तुम बोलोगे मैम फिर रेट 19 नवंबर की हम कैसे निकालेंगे, बैंक कैसे रेट कैलकुलेट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जिसकी वजह से मतलब मुझे एक्चुअली ये लग रहा था कि मैं कैसे बच्चों को सिखाऊंगी भी कैसे, और कैसे ये बात कन्विंस करेंगे अपन। तो फिर मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, रादर बैंकिंग के बहुत सारे बुक्स वगैरह मंगाई, और वहां पे मुझे ये सारी चीजें दिखी कि बैंक किस हिसाब से रेट कोट करता है। तुमको पता है बैंक के लिए जो सबसे ज्यादा फायदेमंद, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल होगा बैंक, वो रेट कोट करेगा। देखो यहाँ पे कोटेशंस देखो, लिखा है 48.6525, 6850 नॉर्मल है। अगर तुम स्वॉप पॉइंट्स देखोगे ना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जो रेट्स दिए हुए ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हाई लो 15,1500/1.400, 2.800/2.700, ये रेट, ये जो स्वॉप पॉइंट्स हैं तुम्हारे, ये हाई लो है। मतलब क्या हो रहा है इसका? इसका ये मतलब होता है कि डॉलर डिस्काउंट पे है, डॉलर डिस्काउंट पे है। डॉलर डिस्काउंट पे होने का मतलब हुआ कि रेट कौन सी आ रही है, 19 नवंबर, यानी आइडियली 15 नवंबर के अगर आगे जा रहा है, और प्रो रेटा अगर नहीं करना है तो क्या होना चाहिए, एंड ऑफ नवंबर होना चाहिए। लेकिन तुमको पता है बैंक क्या करेगा, बैंक एंड ऑफ नवंबर ही करेगा, बैंक एंड ऑफ नवंबर ही करेगा। तुमको पता है क्यों? क्योंकि बैंक चाहता है कि बैंक को फायदा हो, और बैंक को फायदा तब होगा जहां पे रुपी पर डॉलर की रेट कम होगी। ओके, अगर ये सम में अज्यूम करो कि ये जो स्वॉप पॉइंट्स हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में होते, मतलब लो हाई, मतलब अगर डॉलर प्रीमियम पे होता, तो बैंक बताए तुमको नवंबर एंड का रेट नहीं दे करके अक्टूबर एंड का रेट देता। क्यों पता है? क्योंकि बैंक को रुपी पर डॉलर कन्वर्ट करके हमें देना है, तो जितना कम देना पड़े उतना अच्छा। तो अगर अगर रुपी पर डॉलर प्रीमियम पे चल रहा है, मतलब सितंबर अक्टूबर की रेट सितंबर से ज्यादा, नवंबर की रेट अक्टूबर से ज्यादा, तो क्या सोचेगा? उसके पास अगर चॉइस है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अक्टूबर एंड की रेट के हिसाब से मुझे कन्वर्ट करके देना चाहिए, क्योंकि उसको पैसा मुझे कम देना पड़ेगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बैंक मुझे नवंबर की रेट देगा, जानबूझ के नवंबर एंड की रेट देगा, क्योंकि डॉलर डिस्काउंट पे जा रहा है। तो उसको मुझे अगर वो नवंबर की रेट देगा ना, तो मुझे उसको रुपया कम देना पड़ेगा। मैं एक्सपोर्टर हूं ना, आई विल सेल डॉलर्स एंड टेक रुपीज, तो उसको मुझे रुपया कम देना पड़ेगा। तो ही विल गिव मी एज पर 30 नवंबर स्पॉट नवंबर रेट एंड नॉट अक्टूबर रेट। आगे और सब मैंने जानबूझ के डाले ताकि ये तुमको मैं जस्टिफाई कर सकूं। तो यहां पे जो रेट होगी, तो बैंक विल बाय, मतलब मैं एक्सपोर्टर हूं, तुमको ये बातें गाइस मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, बिकॉज मैंने पहले लेक्चर से तुमको बोला है कि जिनका फॉरेक्स स्ट्रांग नहीं है वो लेक्चर्स मत अटेंड करो, बेटर रहेगा, वरना
बहुत दिक्कत आ जाएगी, जो आता है तुमको वो भी हिलेगा तुम्हारा। तो अगर तुम पूरी तरह से स्ट्रांग हो बेसिक्स में तो ये लेक्चर्स अटेंड करना, वरना दिक्कत आएगी। अब सुनो ध्यान से, अपने को ये, तुमको ये बहुत अच्छे से पता है कि बैंक बिट रेट पे हमको रुपया देगा, तुम डॉलर दोगे तो बैंक तुमको रुपया वापस करेगा, राइट? दैट मीन्स यू विल सेल डॉलर्स एट अ लोअर रेट, राइट ना? तो बैंक कौन सी रेट यूज, एक्सपोर्टर्स के लिए जब तुम डॉलर बेचते हो तो हमेशा बिड रेट यूज होती है। वैसे ये जो रेट दे रखी है ना, ये पूरी इंटर बैंक मार्केट की रेट दे रखी है, तो भी तुमको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैंक तुमसे डॉलर लेकर के, एचडीएफसी बैंक मुझसे डॉलर लेगा, ओके मैं बेचूंगी तो एट वॉट रेट आई सेल एट द लोअर रेट, मोबाइल आई वी सेल मोबाइल एट लोअर रेट एंड वी बाय एट हायर रेट, याद है ना? तो आई विल सेल डॉलर्स टू द एचडीएफसी बैंक एट द बिड रेट एंड एचडीएफसी बैंक विल सेल दोज डॉलर्स टू आईसीआईसीआई बैंक सपोज एट बिड रेट, क्योंकि जब एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई को बेचेगा तो एचडीएफसी बैंक कस्टमर बन गया, ओके उस हिसाब से। तो इंटर बैंक में रेट चलेगी नवंबर की, क्योंकि वहां पे एचडीएफसी बैंक को मुझे कम पैसा देना पड़ेगा। याद रखना ये सारे सम्स एक्सपोर्ट के आ रहे हैं, राइट? तो ये याद रखना कि बैंक हैज गॉट द इंडिपेंडेंस एंड कन्वीनियंस ऑफ कोटिंग मी अ रेट विच इज मोस्ट प्रॉफिटेबल टू द बैंक एज पर फेडाई। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा बैंक। तो अगर मैं पूरे सम्स में, जितने सम्स करेंगे सब में मैं एक्सपोर्टर हूं, तो बैंक मुझे वो वाली रेट कोट करेगा जहां पे बैंक को फायदा है। तो अगर डॉलर डिस्काउंट पे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बैंक मुझे हायर मेच्योरिटी पे ले जा करके कोट करेगा, ताकि उसको मुझे हर डॉलर के बदले मुझे कम रुपया देना पड़े। अगर डॉलर प्रीमियम पे जा रहा होता टाइम वाइज तो बैंक लोअर मेच्योरिटी पे यानी अक्टूबर एंड पे राउंड ऑफ करता, बिकॉज बैंक को मुझे वहां पे कम रुपया देना पड़ता, बिकॉज डॉलर प्रीमियम पे जा रहा है और अगर वो नवंबर एंड तक जाता तो ज्यादा रुपया देना पड़ता। आई थिंक इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड और आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो प्लीज आप नीचे मैसेज में डाल दो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे रेट चलेगी गाइज 48.6525 - 0.4200, करेक्ट है? तो तुमको क्या आएगा पता है क्या? तुमको आएगा एंड ऑफ नवंबर का इंटर बैंक बिड रेट आएगा, एंड ऑफ नवंबर का इंटर बैंक बिड रेट आएगा। और एबीसी एक्सपोर्टर, यही नाम है ना, एबीसी एक्सपोर्टर, ये रिटेल है तो इंटर बैंक रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो तुम क्या करोगे, एक्सचेंज मार्जिन जो दिया हुआ है 0.10% का, वो तुम अगेन इसमें से माइनस करोगे, करेक्ट? यही तो बैंक की कमाई है ना इतनी सी। तो रेट अपने निकल जाएगी, रिटेल की रेट निकल जाएगी नवंबर एंड की। उसके बाद वो रेट के हिसाब से बैंक कन्वर्ट करेगा कितना अमाउंट, $25,650 को कन्वर्ट करेगा और मुझे पैसा देगा। कौन से डेट को पता है क्या? 26th of August को। लेकिन इसमें से 85 डेज का ब्याज काटेगा, ओके 25 डेज का ट्रांजिट और 60 डेज का जो क्रेडिट पीरियड एक्स्ट्रा था वो वाला, 85 डेज का ये रुपया वाले अमाउंट पे ब्याज काट के मुझे देगा, और प्लस कुछ शायद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी ₹500 हैं, वो भी पैसे मुझे, वो बैंक का जो भी खर्चा होगा वो काट करके मुझे वो पैसे देने वाले हैं। तो थोड़ा सा सम को ना एलाबरेट करके लिख देती हूँ ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। चलो शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द नोशनल ड्यू डेट इज 85 डेज फ्रॉम 26th of August, दैट इज 19th November। The bank would quote rupee per dollar forward rate
ऑफ स्पॉट नवंबर, स्पॉट नवंबर का मतलब नवंबर एंड, बिकॉज डॉलर इज एट डिस्काउंट, एक यहां पे लिख रही हूं, सब में शायद ट्रांजिट पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो लेकिन नहीं भी दिया होगा ना तो तुमको 25 दिन का ट्रांजिट पीरियड बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके चलना है। यहां पे देखना, द ट्रांजिट पीरियड ऑफ 25 डेज मस्ट बी अज्यूम्ड इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड। क्या रेट है? ओके, रुपी पर डॉलर नवंबर स्पॉट दिया हुआ है रुपीज 48.65250, लेस डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट है 0.42 रुपी 0.42000, ब्रैकेट्स में ले सकते हैं इसको, ये आएगा 48.6525 माइनस 0.42, आई गेट 48.23, 48.2325। ये ना इंटरबैंक रेट हुआ, हमें इंटरबैंक नहीं, हमें रिटेल रेट चाहिए, माइनस एक्सचेंज मार्जिन एट द रेट ऑफ 0.10% इंटू 0.10% कितना होता है रुपी 0.04823 2325, पूरा ही ले लो, पता नहीं। सो 48.2325 माइनस 0.04823 2525, मेरे को आ रहा है रुपीज 48.18427 पर डॉलर। ये रेट हुआ 30th ऑफ नवंबर का रेट हुआ, इस रेट पे वो जो डॉलर है कन्वर्ट करके 26 अगस्त को मिल जाएगा तुमको पैसा। ओके, यानी कि रेट बहुत, पैसा बहुत कम हो गया एक्चुअली अगर देखा जाए तो, और बैंक प्लस ब्याज भी चार्ज कर रहा है, क्योंकि तुमको ये पैसा 26 अगस्त को नहीं मिलता, 85 डेज के बाद मिलता तुमको पैसा, तो ऑब्वियसली बात है बैंक तुमको ये वाले रेट के हिसाब से पैसा देगी, मतलब तुमको पहले मिल रहा है और उतने दिन का ब्याज काट ले, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि जो पैसा 85 डेज के बाद मुझे मिलने वाला था वो पैसा मैंने बैंक से आज ले लिया तो बैंक ने उतने दिन का ब्याज चार्ज कर दिया, बात खत्म। ओके, सो कैसे चलेगा ये, रुपी इनफ्लो टू द एक्सपोर्टर विल बी रुपीज 48.18427 पर डॉलर इनटू डॉलर, क्या अमाउंट है अमाउंट है 25650, तो मेरे को आ रहा है, रुक जाओ, 48.18427 इंटू 25650 रुपीज 123,59,26.53, ओके, देन लेस इंटरेस्ट
एट द रेट ऑफ, क्या रेट दे रखा है, 10%, 10% पर एनम फॉर 85 डेज। इंटू 10% इंटू 85 डिवाइड बाई 365 मेरे को आता है 28782। कर दूँ क्या, 28782। ओके, लेस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस 500 रुपया, अब अपने को नेट करना है 1, 2, 3, 5, 9, 2, 6.53 माइनस 2, 8, 7, 8, 2 एंड माइनस 500 विल गिव यू रुपीस 1,20,664.53। करेक्ट, नेट इनफ्लो टू द एक्सपोर्टर। तो ये खत्म हो गया सम तुम्हारा, एंड वी आर नाउ ऑन फॉर द नेक्स्ट सम। अब जो नेक्स्ट सम कराने वाले हो ना, तुम्हारी क्लैरिटी हर सम के साथ बेटर होती चली जाएगी। ओके, इसलिए मैंने सोचा कि पहले सम्स कराती हूँ बैक टू बैक। आई थिंक यू विल बी मच मच बेटर ऑफ। जितना टाइम अलाउ करेगा, 3 तो मिनिमम कराऊंगी, अगर टाइम अच्छे खासे टाइम में अगर कवर हो जाएगा तो एक और करवा दूंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, रेट्स के ऊपर ही सम है। अगर किसी को ये डाउट आ रहा है ना कि सम्स कहाँ से हैं ये, तो तुमको आज एक बात अभी सुन लो। जो लोग डिलीजेंटली लेक्चर देख रहे हो ना, उनको मैं एक बात बता दूं, भले तुमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 ना देखा हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो पोर्शन था, वो जो सम्स थे सारे, वो मैंने CFA और मास्टर्स में से निकाल के तुमको पढ़ाए थे। क्लियरली तुमको सोर्स बता रही हूँ। ओके, लेकिन ये भी सुन लो कि मैंने जब भी रेगुलर बैच में जो एक्स्ट्रा सम CFA और मास्टर्स में से निकाल के ऐड किया था 5 साल पहले 4 साल पहले, वो इस बार नवंबर में और जनवरी में आया। तो मैं टाइम नहीं कर सकती, जब मैं पढ़ाती हूँ कोई चीज़ या हम पढ़ाते हैं कोई चीज़, तो मैं टाइम नहीं कर सकती कि ये सम मैं आज पढ़ा रही हूँ तो ये सम कब आएगा। सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस और ऑन द बेसिस ऑफ सो मेनी ईयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, मैं यही सोच सकती हूँ कि अगर इंस्टीट्यूट ने यहाँ तक हिट कर लिया है, तो अब अगला हिट करने का ये वाला पीस होगा, और उसके बेसिस पे एंटिसिपेट करके पढ़ाती हूँ। उससे ज़्यादा मैं भी इंसान हूँ, मैं सोच नहीं सकती उससे ज़्यादा, राइट। अब लेकिन आज का लेक्चर तो बिल्कुल ही तुम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सम्स मैं तुमको करा रही हूँ, मैं तुमको इसका सोर्स तो नहीं बतलाऊंगी कि मैं कहाँ से मैंने उठाया या कुछ भी किया, तुम फालतू में कन्फ्यूज़ करोगे और ज़्यादा सोचने लग जाओगे, लेकिन सोर्स ICAI ही है, ये तुमको बता देती हूँ मैं। और इस जो भी सोर्स से मैं ये सम्स तुमको कर रही हूँ, इस शीट के अंदर जितने बाकी सम्स हैं वो पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं, आज नहीं 4 साल से ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी नहीं है ज़्यादा कुछ। तो आज के जितने भी सम्स हैं तुम्हारे, जो भी सम्स तुमको मैं करवा रही हूँ, ये सारे ICAI के ही किसी मटेरियल में से निकाला हुआ है। CA का नहीं है, लेकिन है उनका ही मटेरियल। और मैंने जब वो देखा तो मुझे पता चला कि इसमें से बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन्होंने 1 by 1 एज अ सरप्राइज ऑलरेडी पूछ लिया है। उसमें से एक क्वेश्चन था तुम्हारा जनवरी वाला भी, जो उन्होंने पूछा। ओके, तो भले तुम लेक्चर नंबर 1, 2, 3 इग्नोर कर देना अगर नहीं तुम्हारा मन करता, ये लेक्चर प्लीज इग्नोर मत करना, क्योंकि जो तुम कर रहे हो इसमें से कोई भी सम एग्जाम में इजिली पूछे जाने लायक है। ओके, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ए रेडी बिल बाइंग रेट। रेडी बिल बाइंग रेट, रेडी बिल बाइंग रेट का मतलब हुआ तुरंत, मतलब माल देके तुरंत पैसा पेमेंट करना है। रेडी बिल बाइंग रेट, रेडी मतलब बेसिकली स्पॉट पे, स्पॉट के ट्रांजेक्शन के लिए तुमको रेट पूछ रहा है। तो रेडी बिल बाइंग रेट, अगर ये इंटर बैंक रेट है, क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ट्रांजिट पीरियड इज 25 डेज
ऑल फॉरवर्ड रेट्स आर फॉर फिक्स्ड डिलीवरी, एक्सचेंज मार्जिन 0.10%। अगर एक्सचेंज मार्जिन दे रखा है सम के अंदर में, टीटी मार्जिन, इसका मतलब ये जो दिए हुए रेट्स हैं सारे तुम्हारे इंटर बैंक रेट्स हैं, वरना ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे वो लोग। ओके, तो रेडी बिल बाइंग का रेट मतलब हुआ इंस्टेंट, अगर पैसा चाहिए, अगर यू नो काइंड ऑफ इमीडिएटली अगर बैंक तुमको पैसा दे रहा है तो रेट कौन सी होगी। तो रेडी बिल बाइंग रेट के लिए रेट चलेगी तुम्हारी 48.6। हमेशा बिड रेट, अगर कोटेशन डायरेक्ट है तो बिड रेट ही यूज होगा, 48.6 एंड -0.10%। ओके, एक बात जो तुमको नहीं बताया है मैंने, इंटेंशनली नहीं बताया है, तो सुन लो ध्यान से, कि कई बार ऐसा होता है कि दो तरह के बिल्स होते हैं, एक होता है नेकेड बिल और एक होता है सपोर्टेड बिल। ओके, तो नेकेड बिल जो मैंने डिस्कस किया ना आज के इंट्रो में तुम्हारे साथ में, वो नेकेड बिल के बारे में बात करी, कि मैं सपोज लास्ट क्वेश्चन का मैं एग्जांपल अगर लेती हूँ, जो तुमने क्वेश्चन नंबर वन किया, तो 26 अगस्त को मैं बैंक के पास गई, लेकिन उस समय तक मैंने माल ऑलरेडी शिप कर दिया था, मतलब पेंडिंग नहीं था, और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के मैं बैंक के पास गई और बैंक को बोला कि बॉस तू ये पेपर्स ले ले, ओके, और तू मुझे पैसा दे दे एंड यू कलेक्ट फ्रॉम माई इम्पोर्टर। ओके, तो ये सारी बातें हो गई, बात खत्म हो गई। तो तुम अगर सोच पा रहे हो थोड़ा सा भी, तो थोड़ा ये दिमाग अलग से लगाओ कि बैंक रिस्क में, एक्चुअली एचडीएफसी बैंक थोड़ा रिस्क में है इसके अंदर में, क्योंकि सपोज करो कि इम्पोर्टर ने पैसा नहीं दिया, यू नो कुछ भी हो सकता है ना इसके अंदर में, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है, मान लो असेंस बिल है, अगर सपोज करो कि असेंस बिल, अपना असेंस ही बिल था ना, हाँ असेंस बिल था ये, तो 25 डेज के बाद पेपर तो पहुंच गए, ओके, तो पूरा जो हिसाब था 85 डेज का था, तो अज्यूम करो कि 85 डेज के अंदर में तुम्हारा जो शिप है वो माल भी पहुंच गया वहां पे, ओके, और इम्पोर्टर ने ऑलरेडी अपने पास में 60 दिन का बफर रखा हुआ है पेपर्स मिलने के बाद, 25 दिन में पेपर मिल जाएंगे और 60 दिन का क्रेडिट ले रखा है उसने, तो 85 डेज का पूरा टाइम उसके पास में पेमेंट करने के लिए, तो मैंने तो एचडीएफसी बैंक से आज ही पैसे ले लिए, ओके, और 85 डेज के अंदर में सपोज करो कि जो तुम्हारा शिप है वो माल का पहुंच गया, माल जैसे ही, मतलब क्या हो गया कि बिल जो 25 डेज के एंड में पहुंचा ना उसके पास में, तो उनको सिर्फ क्या करना पड़ता है, डिमांड बिल में तुमको पेमेंट करनी पड़ती है, कि जैसे तुमको बिल मिला तुम तुरंत पेमेंट करो। लेकिन असेंस बिल में क्या होता है, पेमेंट तो वो 60 दिन के बाद करता, क्वेश्चन नंबर वन का एग्जाम्पल चल रहा है, तो तुमको बिल को एक्सेप्ट करना पड़ता है, किसको, इम्पोर्टर को, कि आई एक्सेप्ट द बिल एंड आई प्रोमिस टू पे आफ्टर 60 डेज। ओके, लेकिन तो डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए सारे और माल पहुंच गया, और माल में उसको कुछ पसंद नहीं आया या उसकी नीयत खराब हो गई और उसने पैसा नहीं दिया, डिफॉल्ट कर गया, दिक्कत में कौन आएगा, दिक्कत में आएगा एचडीएफसी बैंक, बिकॉज वो पूरे मेरे भरोसे पे चल रहा था कि मैंने जो डील करी है वो एक अच्छे इंसान के साथ, एक अच्छी कंपनी के साथ में करी है, कि पैसा आएगा ही आएगा। तो बेसिकली इसमें क्या हो जाता है ना, कि बैंक की सिचुएशन थोड़ी सी वीक है, कि अगर सामने वाले ने डिफॉल्ट कर दिया या कुछ बदमाशी कर दी या सच में माल अच्छा नहीं निकला या कुछ भी हो गया और उसने पेमेंट अगर नहीं किया ना, तो एचडीएफसी बैंक इन इंडिया विल बी इन अ ट्रबल। ओके, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, और इसी चीज की वजह से क्या होता है कि एचडीएफसी बैंक माइट नॉट बी रेडी टू हेल्प मी आउट ऑल्सो, कि नहीं बॉस मैं नेकेड बिल नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो तुम सोच रहे होगे शायद कि अगर ये सिचुएशन नहीं है तो कुछ और इसमें पॉसिबिलिटी बनती है क्या, हाँ पॉसिबिलिटी बनती है, इसमें पॉसिबिलिटी ये बनती है लेटर ऑफ क्रेडिट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो इम्पोर्टर है ना यूएस में, उसका भी कोई बैंक होगा वहां पे, ओके सपोज करो कि उसका वहां पे सिटी बैंक है, तो सिटी बैंक विल बिहेव एज अ गारंटर ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर एंड ओपन एन एलसी। इसका क्या मतलब हुआ, अब बैंक का, एचडीएफसी बैंक की सिचुएशन थोड़ी स्ट्रांग हो गई, मतलब क्या हो गया कि अब एचडीएफसी बैंक को इम्पोर्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, एचडीएफसी बैंक को पैसे मिल जाएंगे कहां से, सिटी बैंक से। ओके, तो सिटी बैंक को बाद में इम्पोर्टर पैसा देता रहेगा। अब देखो सिचुएशन कैसे चल रही है, कि मैं जाऊंगी एचडीएफसी बैंक के पास पेपर्स लेकर के, एचडीएफसी बैंक मुझसे पेपर्स ले लेगा, मेरे से पेपर्स लेकर के एचडीएफसी बैंक वो पेपर्स को भेज देगा सिटी बैंक के पास जहां पे एलसी ओपन हुई है, राइट, मतलब योर मनी द बैंक हैज गारंटीड, सिटी बैंक ने इम्पोर्टर के बिहाफ पे एचडीएफसी बैंक को प्रॉमिस किया कि बॉस
मैं पेमेंट करूंगा इंपोर्टर के बिहाफ का, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तुमको इंपोर्टर से कोई मतलब नहीं है, मतलब एचडीएफसी बैंक को इंपोर्टर से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, उसको सिटी बैंक से लेना देना है, ठीक है, क्योंकि सिटी बैंक इंपोर्टर के बिहाफ का गारंटर बन गया। ओके, इसमें क्या होगा कि सिटी बैंक, जैसे ही मैं पेपर्स दूंगी एचडीएफसी बैंक को, एचडीएफसी बैंक भेजेगा पेपर सिटी बैंक को और सिटी बैंक एचडीएफसी बैंक को पैसा दे देगा। ओके, और इंपोर्टर सिटी बैंक को पैसा जब मनाए तब वो दे सकता है, वो उनका आपस का अरेंजमेंट है, वो डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये सिचुएशन हो रही है। तो तुमको नहीं लगता कि अगर मान लो कि आज मैंने जैसे ही एचडीएफसी बैंक को पेपर्स दिया और एचडीएफसी बैंक तुरंत पेपर्स को वहां भेज करके अपने पैसे मंगवा सकता है, करेक्ट है? तो रेडी बिल बाइंग रेट मांग रहा है तुमसे, मतलब स्पॉट पे। ये वर्ड देखो टेक्निकल है, मैं चेंज नहीं कर सकती इसको। तो रेडी बिल बाइंग का रेट का मतलब हुआ स्पॉट, मतलब 48.6 इज द इंटर बैंक बिड रेट माइनस 0.10%, तो तुम्हारी ये बिड रेट बन जाएगी फॉर द रिटेल। दूसरा क्वेश्चन है, 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट फॉर डिमांड बिल। पहले शुरू करते हैं ए के बारे में, उसके बाद बी का समझाना भी चालू करूंगी। मैं वही तुमको बोल रही थी कि अगर मैं सिर्फ तुमको एग्जाम वाला सम करा देती तो जो इतनी सारी कहानी चल रही, वो भी मैं तुमको लिटरली भगा रही हूँ, शॉर्ट में पढ़ाने का ट्राई कर रही हूँ कि कैसे भी करके, क्योंकि अल्टीमेटली मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, राइट, कि खत्म करूँ मैं जल्दी से पोर्शन पढ़ा करके। अगर ये प्रॉपर क्लासरूम में अगर मैं पढ़ाने को जाऊँ तो पूरा 1-3 घंटे का शायद लेक्चर आ जाएगा इसके ऊपर में, बिकॉज सम्स मुझे और भी कराने पड़ेंगे, 3-4 सम में काम बनने नहीं वाला है। ए, रेडी बिल बाइंग रेट मतलब स्पॉट, सो स्पॉट रुपी पर डॉलर इज इक्वल टू 48.6000 माइनस एक्सचेंज मार्जिन। क्या रेट दिया इन्होंने? एट द रेट ऑफ 0.10%, 48.6 इंटू 0.1%, 0.0486। तो 48.6 माइनस 0.0486 विल गिव मी रुपीज 48.5514 पर डॉलर। ये आंसर आया इसका, अमाउंट वगैरह सब में कुछ भी दिया नहीं हुआ है, तो हम अपने खाली रेट्स पे सम चल रहा है पूरा। बी में बोला है 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट फॉर डिमांड बिल। तुम बिलीव नहीं कर सकते हो, लास्ट जब से ये मतलब बेसिकली देखो हम लोग भी पढ़ रहे थे ना, तो 20 ईयर्स पीछे की बात हो गई अभी, तो कहाँ पे किया होगा उतना ध्यान भी नहीं है और उतनी डिटेलिंग भी शायद अब याद नहीं है इतनी ज़्यादा। तो लिटरली मैंने बहुत तरह के एग्जाम्पल सर्च करने का ट्राई किया और बहुत सारे तरीके से सोच रही थी कि कैसे इनको बताऊं कि एटलीस्ट 100% नहीं लेकिन 95-97% की क्लैरिटी तो आ जाए थॉट्स की। तो तुम देखना अभी बी और सी में कितना माइनर फर्क आएगा, वो देखना अभी तुम। एक ना मैं टाइम लाइन लेती हूँ, पहले लिखते हैं 2 मंथ्स फॉरवर्ड बाइंग रेट, मतलब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है बाइंग रेट, डॉलर बाय करेगा ना वो मुझसे, मुझे रुपया वापस करेगा, फॉर डिमांड बिल। डिमांड बिल क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुके हूं, बिल मिलते ही उसको पेमेंट करनी है। लेकिन 2 मंथ्स फॉरवर्ड फिर क्या हो गया वो देखो, डेट दिया है कैसा मैंने? डेट नहीं दिया, कोई बात नहीं, 0 January 31st, February 28th, March 31st, ये टाइमलाइन हो गया। तुमको मैंने पढ़ाते समय एक एग्जाम्पल दिया कि थर्ड जो सिचुएशन बताई थी मैंने, कि शुरू में मैंने जितना सारा बताया ना तुमको, सब में ऑलरेडी माल को शिप करने के बाद में बैंक पहुंच रही थी, मतलब हमारा जो सम शुरू हो रहा था ना वो माल शिप में चढ़ाने के बाद शुरू हो रहा था। मैं डॉक्यूमेंट्स लेके सीधा बैंक के पास गई। मैंने तुमको क्या बोला कि एक थर्ड सिचुएशन भी होती है, और थर्ड सिचुएशन ये है कि
मैंने सिर्फ ऑर्डर रिसीव किया है, मैं अब तक माल बनाया भी नहीं है, चढ़ाने की बात बहुत दूर है, मैंने अब तक माल बनाया भी नहीं, और माल बनाने के लिए भी मेरे को पैसा चाहिए एक्चुअली। तो मेरे को ऑर्डर मिला, ये जीरो का मतलब क्या हुआ, जैन वन राइट, तो जैन वन को मेरे को ऑर्डर मिला, ओके। तो मैं दो महीना, क्या लिखा है, 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट फॉर डिमांड बिल। तो जैन वन को मेरे को ऑर्डर मिला, और वो ऑर्डर का कॉपी लेकर के मैं बैंक के पास गई, और बैंक को मैंने बोला कि बॉस मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को ये ऑर्डर मिला है। वो ऑर्डर के अगेंस्ट में, बैंक उस ऑर्डर के अगेंस्ट में मुझे रुपया दे सकता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मैं माल बनाऊंगी, मैं शिप करूंगी, पैसा तो मुझे आने ही वाला है। हाँ, आने में टाइम लगेगा, तो मुझे उतने आगे का तुम रेट चार्ज कर दो, फॉरवर्ड रेट पे दे दो, आज के हिसाब से मत दो, उस दिन के हिसाब से रेट दे दो, और प्लस ब्याज भी चार्ज कर दो। मतलब बेसिकली क्या हो गया, वो जो इनवॉइस वैल्यू है ना, वो जो इनवॉइस वैल्यू है उसका रूपी इक्विवेलेंट मुझे आज बोरो करना है बैंक से, जिसका बैंक मुझे ब्याज चार्ज करेगा। सिंपल है बिल्कुल। तो जैन वन को मैं चली गई, वो ऑर्डर जो आया, माल बनाया नहीं है, शिप करना तो दूर, ऑर्डर की जो कॉपी है मेरे पास में, वो लेके मैं बैंक के पास चली गई कि बॉस देख मेरे पास ये ऑर्डर है, तू मेरे को पैसा दे दे। तो बैंक कौन सी रेट कोट करेगा, तो देखो क्या लिखा है, 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट। क्यों 2 मंथ बोल रहा है पता है, यानी कि मैं इस पीरियड में माल बना के शिप करना है मुझे, इस पीरियड में मुझे माल बना के शिप करना है, इसलिए वर्ड आ रहा है 2 मंथ फॉरवर्ड। फिर वर्ड क्या आया, डिमांड बिल, यानी कि शिप करने के बाद अगर ये डिमांड बिल है तो शिप हो गया, ओके। शिप होने के बाद अज्यूम करो फिलहाल के लिए, बाकी बातें डिस्कस बाद में होंगी, 28 तारीख तक मैक्सिमम मैंने शिप कर दिया, और शिप करके मैं पेपर्स लेके चली गई बैंक के पास वापस, और दिखाया कि देखो मैंने माल शिप कर दिया है ऑलरेडी, और ये शिप करने के डॉक्यूमेंट्स हैं। बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को भेजेगा यूएस, अज्यूम करो कि यूएस का है, करेक्ट है, बैंक उस डॉक्यूमेंट्स को भेजेगा यूएस, जिसको लगेंगे 25 दिन। तो डिमांड बिल है तो 25 दिन के बाद इमीडिएटली पेमेंट करना चाहिए इम्पोर्टर को, तो यहां से यहां क्या हो गया, ये क्या हो गया, पूरा एक महीना, ये पूरा एक महीना है, लेकिन ये कहां पे जाएगा पता है, ये 25th डे के हिसाब से पैसा ड्यू हुआ। आई होप यू हैव गॉटन इट, यानी कि 2 महीना 25 दिन मतलब पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, और 25 दिन ट्रांजिट पीरियड के, तो कितना हो गया, 2 मंथ्स 25 डेज के हिसाब से बैंक मेरे को रेट कोट करेगा, ये मतलब हुआ इसका, ओके। अब यहां पे देखो, अगर रेट्स देखोगे तो रेट्स बैंक कौन सा कोट करेगा वो देखो, होशियारी देखो, तुम्हारा दिमाग कॉमन सेंस क्या बोलेगा कि 3 मंथ्स का रेट आना चाहिए, करेक्ट ना, 3 मंथ्स की रेट आनी चाहिए, क्योंकि 0 to Jan 31 एक महीना, Jan 31 to February 28 दो महीना, और 28 फरवरी से लेकर के 25 मार्च तक, मार्च एंड पे तो आ गया, तो 3 मंथ का रेट लगना चाहिए ना। लेकिन तुमको पता है बैंक 3 मंथ फॉरवर्ड के रेट के हिसाब से नहीं देगा पैसा, मैंने तुमको पहले समय बोला, बैंक विल गिव मी अ नोशनल रेट, अ रेट एट विच द बैंक इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, ओके। एंड सिंस डॉलर इज एट प्रीमियम, यानी मार्च एंड के हिसाब से अगर तुम प्रीमियम ऐड करते हो तो 48.6 में 0.8500 ऐड होगा, लेकिन अगर तुम 2 मंथ फॉरवर्ड के हिसाब से ऐड करते हो तो 0.5500 ऐड होगा। तो तुम ही मुझे बता दो ना कि बैंक कौन सी रेट के हिसाब से कस्टमर को पैसा देगा। ऑब्वियसली अगर बैंक के पास चॉइस है कि अपने मन के हिसाब से वो रेट कोट कर सकता है तो बैंक 2 मंथ वाला कोट करेगा, बिकॉज फॉर एवरी डॉलर द बैंक विल हैव टू गिव अ लोअर अमाउंट ऑफ रूपी, ये फडाई के रूल्स में लिखा हुआ है ऑलरेडी, ओके। तो 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट फॉर डिमांड बिल, 2 महीना बनाने का और 25 दिन ट्रांजिट पीरियड के, ट्रांजिट पीरियड खत्म होने के बाद इंपोर्टर तुरंत पेमेंट करेगा। तो क्या रेट हो गई वो देखो, तो अपन यहां पे रेट लिखेंगे, कैलकुलेशन चालू कर रही हूं मैं। सिंस डॉलर इज एट प्रीमियम,
द बैंक वुड राउंड ऑफ द रेट टू लोअर एंड दैट इज 2 months फॉरवर्ड. ओके, तो स्पॉट रुपी पर डॉलर इज 48.6000 एड 2 months स्वॉप पॉइंट्स मतलब 0.5500 ऐड करोगे बिकॉज डॉलर इज एट प्रीमियम, लो हाई है अगर तुमको सिंपल लैंग्वेज में समझता है तो 48.6 प्लस 0.5500 विल गिव मी रुपीज 49.1500 लेस एक्सचेंज मार्जिन एट द रेट ऑफ 0.10%. दिस विल बी रुपी 0.04915. -0.04915 विल गिव मी रुपीज 49.10085. खत्म हो गया, कॉपी करो फटाक से, आगे बढ़ रही हूँ. सी, तुम देखना बी और सी में कितना कन्फ्यूजन है, सेम है लेकिन कितने डिफरेंट है वो एक दूसरे से कॉन्सेप्ट वाइज. रेडी रेट फॉर 60 days असेंस बिल. रेडी रेट, रेडी रेट का मतलब क्या हुआ, माल शिप हो चुका है. बी के जैसे नहीं कि माल बना ही नहीं है, माल शिप हो चुका है. ओके, और बैंक को मैं ले जा करके डॉक्यूमेंट्स दूंगी, डॉक्यूमेंट्स पहुंचने में 25 दिन लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स 25वें दिन तक जब पहुंच जाएंगे तो पेमेंट नहीं करेगा इंपोर्टर, उसको एक्सेप्ट करेगा. क्या लिखेगा एक्सेप्टेंस में, लिखेगा मैं इसको 60 दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा इसलिए मैं ये बिल एक्सेप्ट करता हूं. तो वापस से क्या हो गया, 25 दिन इधर और 60 दिन उधर, तो वापस से हिसाब तो 85 डेज का ही हो गया. ओके, और वापस से अगर 85 डेज का जीरो पे खड़े हो अगर तुम, ये टाइमलाइन वापस बनाती हूं मैं, रुक जाओ लिखने दो. रेडी रेट फॉर 60 days असेंस बिल. ओके, ओके, टाइमलाइन बनाती हूं. जीरो 31 January, 28 February, 31 March. बहुत केयरफुल रहना. रेडी रेट फॉर 60 days असेंस बिल, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि माल यहां पे शिप हो गया है. तुमने जो बी में किया ना, वहां भी 85 डेज का ही तुमने रेट निकाला, करेक्ट. 60 दिन तुमने माल बनाने में लगाया और फिर तुमने 25 दिन ट्रांजिट पीरियड का और डिमांड बिल था, तो पेपर्स पहुंचते ही तुरंत पेमेंट होनी थी. तो 60 दिन जो माल बनाने का गया वो पीरियड लैप्स हुआ और 25 दिन तुम्हारा ट्रांजिट का. यहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे तुमने कहां पे डिस्पैच किया था माल, 28 फरवरी को किया था और वहां से 25 दिन लिया था, राइट. यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे तुमने जीरो में ही डिस्पैच कर दिया माल को. ओके, और डॉक्यूमेंट्स लेके तुम बैंक के पास पहुंच गए और बैंक को तुमने जब डॉक्यूमेंट्स दिया और बैंक ने इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स भेजा, तो मुझे लगता है यहां पे कहीं पे उसको मतलब 25 दिन का ट्रांजिट पीरियड यहां पे खत्म होता है बेसिकली 25 जनवरी को, और यहां से 60 दिन और. तो मेरे हिसाब से अगर तुम 60 दिन काउंट करोगे ना यहाँ पे, तुम करके देख लो अपनी कैलसी पे, तो मेरे हिसाब से लगभग ये 25 या 26 मार्च आएगा, 26 ऑफ मार्च आएगा, करके देख लो ये पीरियड.
ये पीरियड और एक ये पीरियड, करेक्ट। तो अगर 26 मार्च, 26th of March आ रहा है गाइस, तो आइडियली बैंक को पैसा मतलब 3 मंथ फॉरवर्ड हो गया ना, ये पूरा पूरा जनवरी गया, पूरा फरवरी गया और 26 मार्च आ गया, मतलब 4 ही दिन तो बाकी है, 4 या 5 दिन बाकी है हार्डली। तो 3 मंथ फॉरवर्ड आइडियली कोट होना चाहिए था कस्टमर को, लेकिन नहीं, तुमको पता है कस्टमर वो रेट कोट करेगा जिसमें उसको फ़ायदा, बैंक वो रेट कोट करेगा जिसमें बैंक को फ़ायदा है और कस्टमर को नुकसान होगा उसमें। तो आइडियली 3 मंथ फॉरवर्ड की रेट कोट होनी चाहिए थी, बट बिकॉज डॉलर इज एट प्रीमियम, द बैंक वुड कोट अ 2 मंथ फॉरवर्ड रेट बिकॉज बैंक को उसमें फ़ायदा है। ओके, अगर बैंक 3 मंथ फॉरवर्ड कोट करता है तो उसको 0.8500 का स्वॉप पॉइंट पे करना पड़ेगा कस्टमर को, ऑफकोर्स एक्सचेंज मार्जिन पेमेंट करने मतलब डिडक्ट करने के बाद। लेकिन अगर 2 मंथ फॉरवर्ड कोट करता है तो 5500.5500 का, तो इसमें बैंक को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए बैंक 3 मंथ फॉरवर्ड का कोटेशन नहीं देगा उसको, उसको देगा 2 मंथ फॉरवर्ड का। स्पॉट रुपी पर डॉलर 48.6000, देन प्लस 2 मंथ स्वॉप, मैं थियरी लिखना भूल गई हूं, लिखती हूं 2 मंथ स्वॉप 0.5500, 48.6 प्लस 0.5 विल गिव यू रुपीज 49.1500, एंड सिंस दे आर इंटर बैंक रेट्स माइनस एक्सचेंज मार्जिन एट द रेट ऑफ 0.10%, आंसर आएगा रुपीज 49.1008 5, ये रेट कोट होगी। मतलब जीरो पे खड़े होकर के बैंक इस रेट के हिसाब से रुपया देगा कस्टमर को, और प्लस बैंक ब्याज चार्ज करेगा 85 डेज का। वो सब डेटा है नहीं सम के अंदर में, तो तुम इग्नोर कर सकते हो, छोटी सी थियरी लिखना भूल गई, मैं लिख लो यहां पे। ऑन कंप्यूटेशन we find that the customer should get 3 month forward rupee per dollar rate, but since dollar is at premium, the bank would round it off to lower end, that is 2 month forward। ठीक है, खत्म हो गया ये पार्ट, देख लो एक बार सोल्यूशन पूरा, अगर मिस हो गया कुछ भी डायग्राम वगैरह तो देख लो एक साथ में, ये आंसर रहा तुम्हारा। अब डी पार्ट जो करना है, डी जो पार्ट आएगा ना वो बी और सी का कॉम्बिनेशन आएगा। 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट फॉर 60 डेज असेंस बिल, ये अलग ही लेवल पे चला गया, मतलब कुछ अलग डिफरेंट हो गया, काफ़ी एग्जॉस्टिव हो गया ये। पहले मैं टाइमलाइन बनाऊंगी फिर तुमको बताऊंगी सारी चीज़ें। जीरो 31 जैन, 28 फेब, 31 मार्च, 30 अप्रैल, तुमको हिंट मिलना चाहिए। थर्टी फर्स्ट ऑफ मई,
एंड 30th of June, क्यों ऐसा किया? इसमें 2 महीना तो मैं लगाऊंगी माल बनाने में, देखो ना लिखा हुआ है 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट फॉर 60 डेज असेंस बिल, 2 महीना मैं लगाऊंगी। मतलब यहाँ पे ऑर्डर मिला है, डिस्पैच नहीं हुआ याद रखना, यहाँ पे ऑर्डर मिला है तो यहाँ से यहाँ पे तो मेरा माल डिस्पैच होगा 2 महीने के बाद। ओके, उसके बाद डिस्पैच करने के बाद डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास लेके जाऊंगी 28 फरवरी को, 28 फरवरी से 25 दिन और ऐड करो ट्रांजिट पीरियड, 25th of March, और वहां से फिर 60 दिन ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए, देखो ना 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो 6 दिन तो हो गए मार्च के, 30 दिन हो गए अप्रैल के, ओके, और 60 दिन जाना है हमको, तो माइनस 60 करोगे तो 24th of May हुआ मेरे हिसाब से, तो ये पूरा टाइम जाएगा, ये पूरा टाइम जाएगा, और यहाँ पे हमको रुकना पड़ेगा 24th of May को। मतलब क्या हो गया, लगभग अगर काउंटिंग करो ना तुम तो कितना महीना हो गया, 1 महीना पूरा, 2 महीना पूरा, ये पूरा 3 महीना, ये 4 महीना, और ये 5वां महीना हो गया, 5th month हो गया ना, मई एंड की रेट मिलनी चाहिए, 5 ही दिन तो बाकी है हार्डली। ओके, तो 24-25 तारीख जो भी समझना चाहो तो मई का वो रेट मिलनी चाहिए, मतलब जीरो पे खड़े होके कस्टमर के हाथ में ऑर्डर है और वो बैंक को बोल रहा है कि बॉस तू इस ऑर्डर के अगेंस्ट मेरे को तू पैसा दे, मैं माल बना के 28 तक डिस्पैच कर दूंगा, पेपर तेरे को लाके दूंगा, पेपर वहां भेज देना और उसके 60 दिन के बाद तुमको पैसा मिल जाएगा, तुम्हारा टेंशन नहीं करनी है, और ये पूरे पीरियड के लिए तुम मेरे को ब्याज चार्ज कर लो। ओके, तो बैंक को वो रेट देनी है बेसिकली। तो आइडियली कस्टमर को 31 मई का, मई एंड का, यानी 5 मंथ एंड का रेट मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि डॉलर प्रीमियम पे है बैंक उसको 5 मंथ का देगा नहीं, बैंक उसको देगा 4 मंथ का। वापस लिखती हूँ यहां पे। ओके, सिंस डॉलर इज एट प्रीमियम द बैंक वुड राउंड ऑफ द रेट टू लोअर एंड दैट इज 4 मंथ्स, दो द कस्टमर शुड ideally get 5 month forward rate, लेकिन कस्टमर के सोचने से कुछ नहीं होता है, जो रूल है उसके हिसाब से उतनी कन्वीनियंस दी हुई है उनको, बैंक्स को, तो रेट निकालना है हमें, तो हम 5 महीने का, मतलब ये हिसाब पूरा 5 महीने का ही हो गया, मतलब माल बनाना शुरू करने से लेकर के डिस्पैच से लेकर के डॉक्यूमेंट जाने से लेकर के और उसके पेमेंट करने तक का ये पूरा जो कार्यक्रम है ये 5 महीने का हुआ हिसाब से। रेट 4 महीने का देगा वो एक अलग बात है। तो स्पॉट रुपी पर डॉलर इस 48.6000 प्लस 4 मंथ स्वॉप क्या है, देखो तो 1.15 49.7500 एंड लेस एक्सचेंज मार्जिन एट द रेट ऑफ 0.10%। ₹0.049750. Okay, third sum. Question number 3.
overseas marine products. This question is exactly same as you got in January 21 paper. Exactly same hai ye. An exporter of seafoods in Mumbai has submitted a 60 days bill for euro 2 lakh drawn under the irrevocable LC for negotiation. The company asked its banker to retain 50% of the bill under the EEFC, Exchange Earners Foreign Currency Account. The rates for US dollar in the interbank market are quoted as under. तो देखो ये मुंबई है तो इंडिया रुपी पर यूरो का अपने को रेट चाहिए होगा राइट. तो आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है. 60 डेज बिल का मतलब क्या हुआ, ये असेंस बिल है. तो 60 दिन के बाद मतलब जब एक्सपोर्टर ओवरसीज मरीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो कंपनी है जब वो बिल बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे तो 25 दिन का ट्रांजिट पीरियड समय दिया होगा कहीं ना कहीं. मैं पढ़ने वाला नहीं, इन्होंने 20 दिन यहाँ पे लिया तो हम 20 दिन ले लेंगे, कोई टेंशन मतलब 20 मैंने क्या बोला 25 दिन मैक्सिमम है. तो 25 दिन के पहले भी डॉक्यूमेंट्स पहुँच सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो या तो वो 25 दिन देंगे, नहीं दिया है तो 25 लेना है, और अगर दिया हुआ है 20 दिन जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब डॉक्यूमेंट जल्दी पहुँच गए तो तुम वो ले सकते हो. मैं सब पहले पढ़ती हूँ फिर समझाती हूँ तुमको. ये रेट्स तुमको रुपी पर डॉलर का स्पॉट दिया हुआ है दोनों का, और डॉलर पर यूरो का भी दिया हुआ है. मतलब कोटेशन डायरेक्ट नहीं है, मतलब तुमको डायरेक्टली कोटेशन नहीं दिया हुआ है, तुमको कंप्यूट करना पड़ेगा रुपी पर यूरो का रेट. उसके लिए डेटा दिया हुआ है और मैं बता दूंगी क्या करना है. ट्रांजिट पीरियड ऑफ 20 डेज हमें कंसिडर करना है. इंटरेस्ट ऑन पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इज 8% पर एनम. ये इंडिया का ब्याज का रेट दिया हुआ है सब में, और एक्सचेंज मार्जिन 0.1% दिया हुआ है. सब में निकालना है द एक्सचेंज रेट कोटेड टू द कंपनी, द कैश इनफ्लो टू द कंपनी. ये काफ़ी कुछ क्वेश्चन नंबर वन के जैसा लग रहा है. द इंटरेस्ट अमाउंट टू बी रिकवर्ड बाय द बैंकर फ्रॉम द एक्सपोर्टर. ये सम है तुम्हारा, तो सम समझ लो पहले. असेंस बिल का सम है ओके. और तुम जैसे ही बैंक के पास जाके डॉक्यूमेंट सारे अपने बिल ऑफ लेडिंग वगैरह जो भी है शिपिंग डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करोगे तो डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पहुँचने में कस्टमर के पास पहुँचने में इम्पोर्टर के पास पहुँचने में 20 डेज लगेंगे ऐसा लिखा हुआ है राइट है. 20 डेज के बाद वो डॉक्यूमेंट्स उसको प्रेजेंट होगा और वो एक्सेप्ट करेगा, पेमेंट नहीं करेगा बिकॉज असेंस बिल है. तो एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा कि मैं आज से 60 दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा. तो सब मिलाकर के अगर देखोगे ना तो पूरा हिसाब 80 डेज का है. 60 दिन का तो क्रेडिट पीरियड है, असेंस पीरियड है, और 20 दिन का ट्रांजिट पीरियड है. तो 80 दिन का 80 डेज यानी अगर तुम कोई डेट दे रखी है क्या सम के अंदर में, उन्होंने डेट नहीं दे रखी है. यानी कि अगर तुम जीरो पे खड़े हो तो जीरो पे 2 लाख यूरो, 2 लाख यूरो का जो इनवॉइस है इसका एक्सपोर्टर का, यानी मान लो ना मैं एक्सपोर्टर हूं तो मेरा 2 लाख यूरो का मैंने माल एक्सपोर्ट किया है, तो 2 लाख यूरो के बदले में सामने वाला इंपोर्टर या सॉरी द बैंक मुझे क्या पे करेगा, वो रेट कैलकुलेट हो रही है बेसिकली. तो 80 डेज के बाद बैंक को पैसे मिलेंगे राइट है, क्योंकि 20 दिन जाएंगे डॉक्यूमेंट जाने में और 60 दिन के बाद वो पे करेगा. तो उसको 80 डेज के बाद पैसा मिलेगा, किसको, मेरे बैंक को जिससे मैं पैसा ले रही हूं अपफ्रंट ओके ना. लेकिन तुम देखो रुपी पर डॉलर की रेट भी प्रीमियम पे है, तुम चाहो तो खुद से भी सम कर सकते हो बिल्कुल आसान सम है, और डॉलर पर यूरो की रेट भी प्रीमियम पे है. तो आइडियली 3 मंथ फॉरवर्ड पे राउंड ऑफ होना चाहिए. 60 दिन तो पूरा है और 20 डेज तो हो ही गया, 10 दिन का तो फर्क आया है. तो आइडियली 90 डेज की रेट एप्लीकेबल होनी चाहिए. लेकिन वही बात सेम कि बैंक वो रेट देगा जिसमें उसको फायदा है. तो ऐसे सोचो कि यूरो अगर हम बैंक को देते हैं तो बैंक मुझे बदले में डॉलर देगा करेक्ट है. तो हर यूरो के बदले बैंक को कम से कम डॉलर मुझे देना पड़े ऐसा बैंक सोचेगा राइट. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 महीने का प्रीमियम बिड रेट ही चलेगी ना, यहाँ पे बिड रेट ही चलेगी. तुम यूरो बेचोगे, यूरो बेचोगे तो किस रेट पे, बिड रेट पे. यूरो बेचोगे बिड रेट पे तो 1.0775, चेक करो रेट को, 1.0775 ये स्पॉट है. आइडियली अगर 3 महीने की रेट एप्लीकेबल होती तो ये 70 ये जो दिया हुआ है तुम्हारा स्वॉप ये यूज करते. लेकिन क्योंकि बैंक अपना फायदा देख रहा है तो बैंक हमें 40 वाला देगा स्वॉप ओके. सिमिलरली तुम डॉलर ले जा करके बैंक को दोगे या उसी बैंक को दोगे तो तुमको डॉलर के बदले में रुपया मिलेगा. तो डॉलर बेचोगे रुपया मिलेगा. तो फिर से बिड रेट 47.8 और 2 मंथ फॉरवर्ड का स्वॉप पॉइंट्स लगेगा 21 वाला. तो बेसिकली अपने को क्या करना पड़ेगा कि रुपी पर डॉलर का 2 मंथ फॉरवर्ड रिटेल रेट निकालना पड़ेगा.
एक्सचेंज मार्जिन दिया हुआ है सब में, और डॉलर पर यूरो का 2 मंथ फॉरवर्ड रिटेल रेट निकालना पड़ेगा। क्रॉस करेंसी की मेथड यूज करके तुम यहाँ पे आई थिंक 1:3 एंड 2:4 कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक सिचुएशन तुमको सपोर्ट कर रही है, राइट? तो वो जो रेट दोनों निकलेगी, तुम दोनों को मल्टीप्लाई अगर करोगे तो रुपी पर यूरो का 2 मंथ फॉरवर्ड रिटेल रेट निकल जाएगा, करेक्ट है? और वो रेट जो होगी तो वो द एक्सचेंज रेट कोटेड टू द कंपनी का आंसर होगा। वो रेट में तुम क्या करोगे, 2 लाख यूरो है और बोला 50% कन्वर्ट नहीं करना, ऐसा बोल रहा है, तो 1 लाख यूरो को उस रेट से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो रुपी का कैश इनफ्लो निकल जाएगा, और फिर तुमको उस रुपए पे 80 दिन का ब्याज कैलकुलेट करके देना है। समय तो कुछ है नहीं इतना ज़्यादा, इसलिए तुम चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। चलो शुरू कर रही हूँ मैं सम को। ए, सिंस बोथ डॉलर अगेंस्ट रुपीज एंड यूरो अगेंस्ट डॉलर आर एट प्रीमियम, द बैंक वुड प्रोवाइड 2 मंथ फॉरवर्ड द टोटल पीरियड इज इक्वल टू 80 डेज, 60 दिन का असेंस और 20 दिन का ट्रांजिट। द टोटल पीरियड इज इक्वल टू 80 डेज बिफोर विच द बैंक वुड नॉट रिसीव पेमेंट। आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है? सो रुपी पर डॉलर 2 मंथ फॉरवर्ड will be 47.80 plus 0.21, 47.8 plus 0.21 will give you rupees 48.01 per dollar less margin at the rate of 0.10%, rupee 0.04801, ठीक है ना? I think तुम सबको comfortable हो चुका है और इतनी दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, करेक्ट है ना? तो मेरे को आ रहा है रुपीस, क्रॉस चेक करना calculations को, I am also a human being, concept मेरे लिए बहुत matter करते हैं। चलो ये एक रेट आ गई, डॉलर पर यूरो 2 मंथ फॉरवर्ड विल बी 1.0775 अगेन प्लस 40 है, तो 0.0040 आएगा यहाँ पे, ये 1.0775 प्लस 0.004 विल गिव यू 1.0815 लेस मार्जिन एट द रेट ऑफ 0.1%, ये आ रहा है डॉलर 0.00108। हो जाएगा 1.0804 डॉलर पर यूरो,
अब तुमको क्या करना है कि जो ये वाली रेट है और जो ये वाली रेट है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो रुपी पर यूरो की रेट निकल जाएगी तुम्हारी। सो 2 मंथ फॉरवर्ड रुपी पर यूरो ये रेट कोट होगी, उसको होगी 47.96 इंटू 1.0804, 1.0804। तो ये रेट आती है रुपीज़ 51.82 कर देती हूँ। मतलब मैं इतना दिमाग नहीं लगा रही कि राउंडिंग ऑफ वगैरह में क्या चक्करबाजी, वो नहीं दिमाग लगा रही। मैं मेन फोकस कर रही हूँ सम का, जो मेन मुद्दा है वो तुम्हारे दिमाग में गया कि नहीं गया। तो ये एक आंसर हो गया, ये आंसर तुम्हारा, ये आंसर है बी का। समय बोला है द कैश इनफ्लो टू द कंपनी। ओके, टोटल इनफ्लो इज यूरो 2 लाख और बोला कि फॉरेन करेंसी अकाउंट में 50% रिटेन करना है, सारा कन्वर्ट करके नहीं चाहिए। तो लेस 50% इन एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन अकाउंट, करेक्ट। तो करने के लिए कर रही हूँ, आई होप यू आर गेटिंग इट। सो रुपी इनफ्लो विल बी यूरो 1 लाख इंटू रुपीज, है ना, 51,82,000 सी इंटरेस्ट, सब तुमको आता है अभी, राइट। तो 51,82,000 इंटू 8% इंटू 80/365, खत्म हो गया सम तुम्हारा। देखो जब आ जाता है ना सम करना, ये इंटरेस्ट हो गया। तो इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। अब देखो, दिस वॉज द सम दैट वॉज आस्ड इन जनवरी। देखो सम पूरा देख लो एक साथ में, ये सम है तुम्हारा जो उन्होंने जनवरी में 21 के पेपर में तुमसे पूछा था। इसकी कोई मेंशन कहीं भी नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैंने ये तीनों सम इंस्टीट्यूट के ही किसी मटेरियल से करवाया है, तो यू कांट जस्ट इग्नोर इट, एक्चुअली करना ही है तुम्हें। ओके, थैंक यू सो मच।